चेन्नई से नागपुर पहुंचे साइकिल यात्री डॉक्टर अमित समर्थ का जीरो माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन परिसर में अगवानी कर उनका महा मेट्रो और मित्र परिवार की ओर से स्नेहिल सत्कार किया गया। डॉक्टर समर्थ 13 मार्च को रात 11 बजे चेन्नई से साइकिल द्वारा रवाना हुए थे और वे मंगलवार 15 मार्च को रात 8 बजे के दरमियान फ्रीडम पार्क पहुंचे। उनके स्वागत के लिए सीआरपीएफ के बैंड ने देशभक्ति धुन प्रस्तुत की। 44 घंटे 34 मिनट तक साइकिलिंग कर 1131 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले डॉक्टर अमित समर्थ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में दो बार साइकिल चलाना चाहिए। नागपुर शहर यूरोपियन कंट्री जैसा स्वरूप धारण कर चुका है और यह केवल मेट्रो परियोजना के साकार होने से ही संभव हो सका है। उन्होंने प्रत्येक नागरिकों और छात्रों से मेट्रो का अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। नागपुर सिटी की दिशा और दशा बदलने में मेट्रो की अहम भूमिका होने का उल्लेख करते हुए साइकिल यात्री डॉक्टर समर्थ ने कहा कि यातायात नियम और स्वच्छता की दिशा में यदि हम और जागरूक हुए तो हमारे शहर का स्वरूप निश्चित ही यूरोपियन शहरों जैसा हो जाएगा। साइकिल और बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल और मेट्रो का उपयोग करने पर यातायात नियमों की कम ही आवश्यकता पड़ेगी। शहर में साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में महामेट्रो को वरिष्ठ अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक स्टेशन पर साइकिल की व्यवस्था की गई है ताकि यात्री आसानी से इसका उपयोग कर सके। मेट्रो में साइकिल ले जाने की भी छूट दी गई है। गुप्ता ने कहा कि यात्रियों के हित में महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के संयुक्त प्रयासों से डॉक्टर समर्थ द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।